एपिसोड के शुरुआत में एक लड़के को देखते हैं जो जंगल में लेटा होता है। तभी उसकी आँख खुलती है और वो कहता है, क्या मैं स्वर्ग में हूँ? और वह मन में सोचने लगता है, मुझे विश्वास नहीं होता, मैंने एक एक्सपेरिमेंट में खुद को ही उड़ा डाला। वो खड़ा होता है, इधर उधर देखने लगता है। तभी सीन कट होता है, एक लड़की को दिखाया जाता है जो तेज़ी से भाग रही होती है टॉयलेट के लिए, और वो कहती है, अब रोका नहीं जाता। वो लड़का उसे भागते हुए नोटिस करता है और कहता है कि स्वर्ग में तो लड़कियों को पुराने कपड़े पहनाए जाते थे, मुझे लगता है कि मैं समय में पीछे आ गया हूँ। तभी वो लड़की इधर उधर देखती है और कहती है, अच्छा है कि आसपास कोई है नहीं, मुझे ये जल्दी करना होगा। वो लड़का उसे देखता है और कहता है, ये लड़की तुम ये क्या कर रही हो? देखते ही देखते वहाँ एक रिवर बन जाता है। रिवर में से कुछ बूंद उस लड़के के ऊपर गिरने लगते हैं। तभी वो लड़का उसे डॉच कर लेता है और पीछे हट जाता है, और वो ऐसी चीज़ देखता है जो वो डिजर्व करता था। झाड़ी के पास एक स्नेक जिसकी नज़र बड़ी गंदी लग रही थी और वो उसके ऊपर पड़ रहा था। वो लड़का उसे बताने की कोशिश करता है, तब पर बहुत देर हो चुकी थी। वो लड़की चिल्लाती है और स्नेक अपना काम कर चुका था। वो लड़की वहाँ से कूद जाती है और नीचे गिरने लगती है। वो लड़का उस लड़की को ही देखे जा रहा था। देखते ही देखते वो लड़की उस लड़के के ऊपर गिर जाती है और कहती है, बड़ा दुखता है। तभी वो लड़की होश में आती है और उस लड़के को एक चाटा और तीन प्रकार के मुक्के मारती है। फिर वो लड़का इस जगह को स्वर्ग से जगह नर्क कहने लगा था और उस लड़की को बताता है, हे लड़की, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ। तभी वो लड़की कहने लगती है, क्या बुरे लोग अपने मत्थे पे बुरा शब्द लिखवा के चलते हैं? वो लड़का उसे कहने लगता है, वो मैं नहीं था, वो एक स्नेक था जिसने तुम्हें काटा। वो लड़की कहती है, हाँ तुमने काटा, वो एक स्नेक नहीं था। फिर वो लड़की कहती है, क्या वो सच में एक स्नेक था? और उसको फॉरवर्ड कह के बेहोश होने लगती है। तभी वो लड़का उसके पास आता है और कहता है, लगता है जहर का असर शुरू हो गया है, और उसको सहारा देने के लिए उसके पास आता है। वो लड़की अपना हाथ झटकती है और दूर रहने को कहती है। वो लड़का कहता है, वो स्नेक बहुत जहरीला था, हमें तुम्हारे शरीर से उस जहर को निकालना होगा वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। वो लड़की मुझे परवट चाहिए और अजीब अजीब शब्द बोलते हुए वो अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर जाती है। तभी सीन कट होता है और एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो उस लड़की का ग्रैंडपा होते हैं और उसके किट किट कहके पुकार रहे होते हैं। ढूंढते हुए उन्हें ऐसी चीज़ दिखती है जो उनके सोच से परे थे, ये सब देखने के बाद मानो उनके पैरों से जमीन खिसक गई थी। और यहीं पे डॉक्टर डेविल एपिसोड 1 ख़त्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, बाय बाय।